एपिसोड की शुरुआत में हम लेडवर्थी स्कूल के प्रिंसिपल को स्पीच देते हुए देखते हैं, जो अपने स्कूल के कई सीनियर स्टूडेंट के बारे में स्पीच दे रहे थे, जिनके कारण स्कूल ने अब तक काफी नाम रोशन किया है। दूसरी तरफ हम दो बेस्ट फ्रेंड्स म्यू और पोई को देखते हैं। दोनों ही पढ़ाई और बाकी फील्ड्स में कुछ खास नहीं थी। अब दोनों स्कूल हॉल में जाते हैं। ऊपर नैनो खड़ी थी, वो म्यू और पुई की बातें सुन रही थी। दोनों बातें कर रहे थे कि जितने भी स्कूल के जीनियस स्टूडेंट्स हैं, सभी के नाम इस पोल पर लिखे हैं, सिवाय हमारे। काश हमारे नाम भी इस पोल पर होते तो कितना अच्छा होता। म्यू कहती है कि मुझे कभी कभी इस पोल और जीनियस स्टूडेंट्स को देखकर जेलसी होती है, क्योंकि उन्हें देख मुझे लूजर सा महसूस होता है, लेकिन मैं लूजर नहीं हूँ। दोस्तों, असल में स्कूल हॉल के पोल पर उन स्टूडेंट्स के नाम लिखे होते हैं जो पढ़ाई, ड्राइंग, स्पोर्ट्स आदि की फील्ड्स में सबसे अच्छे हो। वो स्टूडेंट स्कूल के जीनियस स्टूडेंट्स कहलाए जाते थे। अब सीन के कट होते ही हम म्यू को अपने घर पर देखते हैं। म्यू की माँ उसे डांट रही थी क्योंकि उसके नंबर बाकी स्टूडेंट से काफी कम आते थे। अब अगले दिन म्यू अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही थी। दोस्तों, इन दोनों को हमेशा स्कूल में किसी न किसी टीचर से डांट खाना पड़ता था, लेकिन ये एक दूसरे की खामियों को हंसकर उड़ा दिया करती थी और खुश रहा करती थी। अब एक दिन एक टीचर दोनों से कहती है कि तुम लोग कभी अच्छे स्टूडेंट्स और जीनियस नहीं बन पाओगे, तुम में वो खूबियां है ही नहीं। फिर वो उन दोनों को नैनो से मिलवाती है, जिसने 2 हफ्ते पहले स्कूल में एडमिशन लिया था। टीचर बताती है कि नैनो स्कूल की एक जीनियस स्टूडेंट बन चुकी है, क्योंकि स्कूल में नैनो क्वांटम फिजिक्स और बुद्धिज्म में सबसे अच्छी थी। टीचर नैनो को अपने साथ ले जाती है और फिर जाते हुए नैनो पीछे मुड़कर दोनों की ओर देखते हुए अजीब तरह से हंसने लगती है। अब एक दिन क्लास में टीचर आकर बताती है कि पिछले हफ्ते नैनो क्वांटम फिजिक्स और बुद्धिज्म में जीनियस स्टूडेंट बनी थी, और इस हफ्ते स्कूल को इंग्लिश लिटरेचर में एक जीनियस स्टूडेंट मिली है, जो कि है पुई। सभी स्टूडेंट्स हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान थी म्यू। पुई बहुत खुश थी जीनियस स्टूडेंट बनकर। टीचर भी उसे शाबाशी देते हैं क्योंकि उसने टीचर की बात से सबक लिया और आज एक बेहतरीन स्टूडेंट बन गई। दोस्तों, भले ही सब उसकी जीत से खुश थे, लेकिन म्यू बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि रातों रात पुई एक जीनियस स्टूडेंट कैसे बन गई। नैनो पुई से कहती है कि वो उसे जीनियस ग्रुप पर ऐड कर देगी। पुई म्यू का चेहरा देखकर समझ गई थी कि म्यू उससे काफी ज्यादा गुस्सा है और वो उसके जीनियस स्टूडेंट बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। टीचर अब पुई से बड़े अच्छे तरह से पेश आती है और ये चीज म्यू देखकर और ज्यादा गुस्सा और अकेली महसूस करने लगती है। वो अब पुई की तस्वीर स्कूल हॉल के पोल पर देखती है। इस दौरान भी उसके सक्सेस के बारे में सोचकर उसका दिमाग खराब होने लगता है। अब एक दिन नैनो म्यू से मिलती है। नैनो म्यू से कहती है कि अजीब नहीं है कि पुई, जो की पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो एकदम से इंग्लिश लिटरेचर में जीनियस बन गई। नैनो म्यू को इसके पीछे का राज बताती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जीनियस बनना चाहता है तो उसे सिर्फ गूगल पर जाकर कॉपी पेस्ट करना होगा, यानी कि इसकी नकल करनी होगी। म्यू समझ जाती है कि पुई गूगल की मदद से जीनियस बनी है। नैनो उसे बताती है कि मैं भी गूगल की वजह से ही एक जीनियस स्टूडेंट बन पाई हूँ, तो तुम भी ऐसा ही करो और फिर तुम भी एक जीनियस स्टूडेंट बन जाओगी। नैनो बताती है कि सामने ड्राइंग कंपटीशन है, तो तुम उसमें भाग लेकर जीनियस बन सकती हो। म्यू अपनी जेलसी के चलते मान जाती है और फिर घर जाकर वो गूगल से एक पेंटिंग के प्रिंट आउट निकालती है। दोस्तों, जो कि म्यू के पिता की प्रिंटिंग की दुकान थी, इस कारण से म्यू के घर पर ऐसे फाइनेस्ट मशीन्स और पेपर थे जिससे वो ऐसी प्रिंट आउट निकाल सके जो दिखने में बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि उसे बनाया गया हो। अब अगले दिन वो स्कूल में अपनी पेंटिंग सबमिट कर देती है, जिसके बाद वो ड्राइंग कंपटीशन में जीत जाती है और आर्ट्स के फील्ड में म्यू जीनियस स्टूडेंट बन जाती है और उसका नाम भी अब स्कूल हॉल के पोल पर लगा दिया जाता है। टीचर म्यू की बेहद प्रशंसा करते हैं और फिर टीचर के जाते ही पुई म्यू से मिलकर उसे बधाई देती है। पुई म्यू से पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? पुई उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब तो हम दोनों जीनियस स्टूडेंट बन चुकी हैं, तो फिर हम अब दोबारा से दोस्त नहीं बन सकते हैं क्या? म्यू कहती है, तुम तो चीटिंग करके जीनियस स्टूडेंट बनी हो, ना कि अपने दम पर। मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ। ये सुन पुई बेहद उदास हो जाती है। अब म्यू को जीनियस ग्रुप में ऐड किया जाता है।
सभी जीनियस अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बातें कर रहे थे। सभी म्यूज से उसकी अगली पेंटिंग के बारे में भी पूछते हैं और वो पेंटिंग उसे दिखाने को कहते हैं। म्यू दोबारा गूगल से एक पिक्चर की प्रिंट आउट निकाल कर उस पर कलर छिड़क कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। इस दौरान म्यू की माँ उससे मिलने आती है और वो उसे बताती है कि हम तुम्हारे जीनियस स्टूडेंट बनने पर बहुत खुश हैं। ऐसे ही धीरे धीरे म्यू प्रिंट आउट निकाल कर अपलोड करती जाती है, जिसके बाद काफी लोग उससे इम्प्रेस होकर उसे अपने टैलेंट को लेकर आगे बढ़ने को कहते हैं। धीरे धीरे म्यू काफी फेमस होने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश थी। कई फंक्शन में उसे जीनियस स्टूडेंट के तौर पर स्पीच देने को भी कहा जाता है। ऐसा ट्रीटमेंट उसे पहले कभी नहीं मिला था, जिस कारण से उसे ऐसा लगता है जैसे उसने आसमान छू लिया है। लेकिन दोस्तों, वो अब भी पुई के साथ अपनी दोस्ती नहीं रखती है। अब एक दिन टीचर बताती है कि स्कूल में दोबारा से आर्ट्स की कंपटीशन है। वो आर्ट्स की जीनियस स्टूडेंट म्यू को इसमें हिस्सा लेकर कंपटीशन को जीतने को कहती है। इस विषय पर नैनो टीचर से कहती है कि पहले भी स्कूल में ऐसी कई कंपटीशन रखी गई थी, दोबारा से वही कंपटीशन काफ़ी बोरिंग हो जाएगी सभी के लिए। टीचर फिर सोचती है क्यों ना इस बार पेंटिंग ऑडियंस के सामने बनाई जाए, जिससे स्कूल के जीतने पर ये एक अलग छाप छोड़ जाएगा। सभी स्टूडेंट्स काफ़ी उत्सुक थे म्यू की पेंटिंग अपने आंखों के सामने बनते देखने के लिए। टीचर भी इतनी उत्सुक हो जाती है कि वो दूसरे स्कूलों के स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिपोर्टर्स को बुलाने का फैसला करती है। साथ ही नैनो टीचर को आइडिया देती है कि हमें लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहिए जब म्यू पेंटिंग बनाएगी। नैनो म्यू की ओर देखकर हंसने लगती है और म्यू बेहद परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तक उसने चुरा कर अपना आर्ट प्रेजेंट किया था, लेकिन आखिर अब वो क्या करेगी। अगले सीन में म्यू नैनो से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसी चालें क्यों चल रही हो, तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया है। अब नैनो कहती है मैंने तो बस तुम्हारी मदद की थी, लेकिन जीनियस स्टूडेंट और फेमस तो तुम ही बनना चाहती थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है। नैनो म्यू को गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है। म्यू का दिमाग खराब होने लगता है। वो घर जाकर काफी प्रैक्टिस करती है अपनी पेंटिंग्स के लिए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो पेंटिंग्स का पी तक नहीं बना पा रही थी। इस दौरान नैनो उसे वीडियो कॉल पर बताती है कि एक लड़की ने दावा किया है कि तुमने उसकी पेंटिंग्स चुराई है। म्यू इन सब चीजों से काफी परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी दोस्त को फोन करती है। पुई बहुत खुश थी कि आखिरकार म्यू ने उसे फोन कर ही लिया। अब दोनों वापस से दोस्त बन पाएंगे। दोनों स्कूल में मिलते हैं। म्यू उसे बताती है कि पुई मैं तुमसे नाराज नहीं थी, मैं तुमसे जेलस थी, क्योंकि तुम एक जीनियस स्टूडेंट बन गई थी और तब भी मैं वही आम सी स्टूपिड स्टूडेंट थी। पुई इन सारी बातों को भूलने को कहती है और वो दोबारा से उसकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती थी। म्यू पुई से मदद मांगते हुए कहती है कि पुई क्या तुम इस हथौड़े से मेरे हाथ पर मार सकती हो, मुझे पेंटिंग बनाना नहीं आता है और मैं कंपटीशन के दिन स्टेज पर कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। मैंने अब तक सिर्फ दूसरों की पेंटिंग चुरा कर उसकी प्रिंट आउट निकाली थी, लेकिन अब मैं पकड़ी जाऊंगी। पुई उसे मार ही नहीं पा रही थी, क्योंकि आखिरकार वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त है। म्यू फिर भी उसे रो कर भीख मांगती है ऐसा करने के लिए, लेकिन पुई किसी भी कीमत पर ऐसा करने को तैयार नहीं थी। तभी एकदम से म्यू हथौड़ा लेकर अपने ही हाथों पर जोरों से मारने लगती है, जिसके बाद उसका हाथ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कई स्टूडेंट्स और टीचर्स वहां पहुंचते हैं। म्यू सभी को बताती है कि पुई ने उसके साथ ऐसा किया है। सभी पुई से बहुत नाराज थे। अब म्यू को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन जाते वक्त म्यू पुई की ओर देखकर हंसने लगती है। पुई बहुत हर्ट हुई थी इस घटना से। दूसरी ओर नैनो पागलों की तरह हंस रही थी। इस घटना के बाद एक दिन टीचर और क्लास के कई स्टूडेंट्स म्यू से मिलने आते हैं। सभी उससे पूछ रहे थे कि क्या वो कंपटीशन में हिस्सा ले पाएगी। म्यू नाटक कर रही थी कि उसके हाथ में अब तक काफी दर्द है, जिस कारण से वो अपना हाथ हिला तक नहीं पा रही है। अब नैनो कहती है म्यू तो अपने दोनों हाथों से पेंटिंग बना सकती है, क्योंकि एक बार उसने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ऐसा पोस्ट किया था। टीचर ये सुन बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि अब उनकी स्कूल की रेप्यूटेशन बच जाएगी। सभी बहुत खुश थे इस बात से। हालांकि म्यू कितनी खुश थी ये तो हम उसकी शक्ल देखकर ही जान सकते हैं। अब दिन था कॉम्पिटिशन का। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर रहे थे। वहाँ कई स्कूलों के स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिपोर्टर्स मौजूद थे। साथ ही लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जा रही थी वीडियोस की। दोस्तों,
पुई को सजा के तौर पर कंपटीशन में भाग लेने से मना कर दिया जाता है। अब नैनो स्टेज में आकर म्यू को बुलाती है। सभी म्यू को लेजेंड की तरह मानते थे, सभी म्यू का ही नाम लेकर पुकार रहे थे। ये देखकर म्यू के माता पिता बहुत खुश थे। इस दौरान स्टेज पर एक लड़की आकर दावा करती है कि म्यू ने उसकी पेंटिंग चुराई है। वो म्यू को भला बुरा कहने लगती है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल उस लड़की को ही उल्टा सुनाकर स्टेज से दूर खड़ा कर देते हैं। अब प्रिंसिपल प्रमाण करने के लिए म्यू को स्टेज पर वो ड्राइंग स्टार्ट करने को कहते हैं। अब म्यू पेंटिंग बनाने लगती है और फिर वो अपनी पेंटिंग बना लेती है। सभी का मुंह सूख जाता है उसकी पेंटिंग देखकर। प्रिंसिपल म्यू की पेंटिंग लेकर ऑडियंस के सामने उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़की दोबारा से चिल्लाते हुए कहती है कि अब तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि म्यू पेंटिंग बनाना जानती ही नहीं है। स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल बार बार स्कूल के नाम पर ऐसा बोलने के लिए उस लड़की को बुरा भला कहकर स्टेज से भगा देते हैं। अब म्यू को रिलैक्स करने के लिए टीचर और प्रिंसिपल उसे समझाते हैं कि तुम स्कूल की जीनियस स्टूडेंट हो और किसी के भी कहने पर तुम अपनी पोजीशन नहीं खोगी। अब म्यू को एक स्पीच देने के लिए कहा जाता है। म्यू अब सभी को स्पीच के दौरान शुक्रिया कहती है उसे सपोर्ट करने के लिए और सभी को अपने टैलेंट को लेकर आगे बढ़ने को कहती है। साथ ही वो कहती है कि हीरा अंधेरे में भी चमकता है, जो कि वो खुद के लिए इस्तेमाल करती है। सभी उसकी स्पीच सुन उसे अप्रिशिएट करते हैं। नैनो ये देख काफी बोर होते हुए वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है। दोस्त, एपिसोड की एंडिंग देखकर आप सभी को तो ऐसा ही लग रहा होगा कि नैनो तो इस एपिसोड में म्यू को सबक सिखा ही ना सकी, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं था। क्योंकि अगर म्यू अपने इस एक झूठ के सहारे आगे अपनी जिंदगी में बढ़ती है, फिर उसे इस एक झूठ के लिए हजारों झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से उसे दूसरे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स चुरा कर अपना बताकर वो आखिर कब तक बच पाएगी? कभी ना कभी कोई ना कोई तो उसे रंगे हाथ सबूत के साथ जरूर पकड़ लेगा। ये बात हम भी जानते हैं और खुद म्यू भी जानती है। और इस डर के सहारे आखिरकार वो कब तक जीनियस स्टूडेंट की जिंदगी को जी पाएगी? और इसी तरह से नैनो ने आखिर कर्मियों को सबक सिखा ही दिया। सो दोस्तों, यही थी आज के हमारे गर्ल फ्रॉम नोवेयर के एक और एपिसोड। ये एपिसोड आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और हाँ, अगर आप इसके पिछले एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर चैनल की लेटेस्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं। और आज की एपिसोड एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ। शब्बा खैर।